हेलो स्टूडेंट्स, ये जीके का 76वां पार्ट है और क्वेश्चन लेते हैं हम, देखते हैं आखिर क्या क्वेश्चन आया था। तो एक प्रश्न है कि तेलुगु भाषा किस राज्य में बोली जाती है, और आप में से बहुत सारे लोग अवेयर होंगे कि तेलुगु भाषा किस राज्य में बोली जाती है। तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। तो चूंकि ये भाषा से संबंधित है, कौन भाषा कहाँ बोली जाती है, तो एक नज़र हम देख लेते हैं कि किन किन राज्यों में कौन कौन भाषा बोली जाती है। देखिए, जो सामान्य बात है हिंदी है वो तो आप जानते हैं, जैसे बंगला बंगाल में बोली जाती है, लेकिन कहीं कहीं कुछ थोड़ा स्पेशल है, कहीं कहीं फ्रेंच बोली जाती है, कहीं अंग्रेज़ी बोली जाती है, तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और स्पेशल लैंग्वेज जो है, जो बहुत थोड़ा अपवाद है और सुनने में थोड़ा अलग लगता है, उसको तो आप ज़रूर याद कर लें। तो सबसे पहले मैं स्पेशल ही लिखा रहा हूँ आपको, तो आंध्र प्रदेश लिखिए और सामने लिखिए आप तेलुगु, और अरुणाचल प्रदेश के सामने लिखे अंग्रेज़ी। अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी बोली जाती है, अंग्रेज़ी है। और असम लिखिए, असम में असमी है, असम में बंगाली भी बोली जाती है, और बोडो, याद आया ना बोडो, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो चार भाषा जुड़ी है, एक मैथिली, एक बोडो, संथाली और एक और है, तो उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे वो चार भाषा कौन है, ठीक है। तो बोडो असम में बोली जाती है, बंगाली भी बोली जाती है असम में, क्योंकि टच करता है ना बंगाल से। और मैं पहले स्पेशल भाषा को ले रहा हूँ, गोवा, गोवा में कोंकणी बोली जाती है, गोवा में कोंकणी बोली जाती है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की भाषा है, आइडिया लगाइए 5 सेकेंड, और आप उत्तर भी कर सकते हैं, उर्दू, और उसके बाद अंग्रेज़ी, पहली भाषा उर्दू है, उर्दू बोली जाती है। कर्नाटक की, 5 सेकेंड में आप उत्तर करें, कन्नड़, तो अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें और अच्छा रहेगा। महाराष्ट्र, 5 सेकेंड, मराठी, ये बात हो रही है पहली भाषा की जो वहाँ मुख्य है, जिस पे वहाँ पे काम हो रहा है, जैसे उत्तराखंड की भाषा पहली भाषा क्या है पता है आपको, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करेंगे। और दूसरी भाषा वो भी पता है आपको, दोनों का कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करें, उत्तराखंड से संबंधित। नागालैंड की पहली भाषा क्या है, नागालैंड में क्या बोली जाती है, या ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, अंग्रेजी। सिक्किम की बहुत महत्वपूर्ण है, नेपाली। त्रिपुरा की कोक बो रोक और बंगाली, कोक बो रोक भाषा का नाम है और बंगाली, ये महत्वपूर्ण है। और आप दमन एंड दीव की, दमन एवं दीव, महत्वपूर्ण भाषा, भाषा पे ही काम करना है आज। कोंकणी नंबर 1 पे है, मराठी, गुजराती, पुदुचेरी, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, तमिल, मलयालम, तेलुगु, लेकिन महत्वपूर्ण ध्यान रहे पुडुचेरी में फ्रेंच, अंग्रेज़ी, तमिल, फ्रेंच एक ही जगह बोली जाती है, ये भी प्रश्न आ चुका है। और लिखते हैं
बिहार में क्या बोली जाती है? प्रथम भाषा बिहार की हिंदी और दूसरी भाषा उर्दू। आप हिंदी लिखें फिर लिखें उर्दू तो आपको स्पॉन्टेनियसली समझ में आ जाएगा। छत्तीसगढ़ की हिंदी, गोवा की लिख चुके हैं आप कोंकणी, गुजरात की गुजराती, हरियाणा की हिंदी पंजाबी, हिमाचल प्रदेश की हिंदी, झारखंड की हिंदी, लेकिन उसके बाद संथाली, उड़िया और बंगाली। हिंदी के बाद संथाली, उड़िया और बंगाली। केरल की बहुत महत्वपूर्ण है मलयालम, उसके बाद अंग्रेज़ी। केरल में नंबर वन भाषा मलयालम, फिर अंग्रेज़ी। मध्य प्रदेश हिंदी, मणिपुर मणिपुरी, उसके बाद अंग्रेज़ी। मेघालय बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दीजिए, मेघालय अंग्रेज़ी प्रथम भाषा। उसके बाद खासी गारो, खासी गारो भी भाषा है जनजाति के नाम पे। मेघालय में खासी और गारो दूसरी भाषा है, पहली भाषा अंग्रेज़ी। मिजोरम में मिजो, उड़ीसा में उड़िया, पंजाब में पंजाबी, फिर हिंदी, पहली पंजाबी। राजस्थान हिंदी, तमिलनाडु तमिल, फिर अंग्रेज़ी। ध्यान रहे तमिल, उसके बाद अंग्रेज़ी, हिंदी नहीं। तेलंगाना तेलुगु, फिर उर्दू। ये ध्यान रहे तेलंगाना की पहली भाषा तेलुगु है, फिर और ये आंध्र प्रदेश की भाषा थी जो प्रश्न आया था। त्रिपुरा आपने लिखा है कोकरो कोकबो रोक, वहाँ की भाषा और बंगाली। उत्तराखंड की, उत्तराखंड की पहली भाषा और दूसरी भाषा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उत्तर प्रदेश की हिंदी उर्दू, पश्चिम बंगाल की बंगाली और उर्दू, पहली भाषा है बंगाली और बंगाली, मेन भाषा है बंगाली, उसके बाद है उर्दू और अंग्रेज़ी नेपाली। पहली है बंगाली, फिर उर्दू, अंग्रेज़ी, नेपाली। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बताएं, महत्वपूर्ण है अंग्रेज़ी पहली और दूसरी तीसरी है बंगाली हिंदी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पे है और बंगाल सबसे नज़दीक है उससे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए अंग्रेज़ी है, बंगाली और हिंदी है। चंडीगढ़ पहले अंग्रेज़ी है चंडीगढ़ की, उसके बाद पंजाबी है। दादर नगर हवेली, गुजराती और हिंदी, गुजरात के करीब है वो। दमन द्वीप का तो पता है आपको, लिख लिया है, कोंकणी है महत्वपूर्ण। दिल्ली हिंदी है पहले, उसके बाद पंजाबी और उर्दू है। लक्षद्वीप अंग्रेज़ी है पहली भाषा, उसके बाद है मलयालम और दिवेही, दिवेही भी वहाँ की भाषा, दिवेही लक्षद्वीप की अंग्रेज़ी पहली भाषा, उसके बाद मलयालम, दिवेही। पुदुचेरी की आप जानते हैं फ्रेंच, अंग्रेज़ी, तमिल है, और उसके बाद मलयालम भी है, तेलुगु भी है, तो ये है कुल मिलाकर के। तो बहरहाल और देखते हैं इसमें लिखा, एक क्वेश्चन है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में अपना उच्च न्यायालय है, ये प्रश्न आया था, किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना उच्च न्यायालय, बाकी सब दूसरे दूसरे उच्च न्यायालय का ब्रांच है या उस पर निर्भर है, अपना उच्च न्यायालय है तो सिर्फ दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। अब सवाल यह है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उस पर ध्यान देना, वो भी आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कौन है,
तो कलकत्ता है, जानते हैं बंगाली बोली जाती है वहाँ, कलकत्ता के करीब है, तो वो कलकत्ता उच्च न्यायालय पे ही निर्भर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कलकत्ता है, केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन उसका उच्च न्यायालय कलकत्ता। दादर नगर हवेली और दमन एवं दीप का उच्च न्यायालय मुंबई है। पुदुचेरी का उच्च न्यायालय चेन्नई है और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय, कोशिश कीजिए, एर्नाकुलम ये केरल का उच्च न्यायालय है। चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय खुद चंडीगढ़ है। और एक क्वेश्चन आया था, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है, ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। आप जानते हैं और नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में देख लेंगे क्या है, पता चल जाएगा आपको। और एक सवाल आया था, मिनी माता रोग किस प्रदूषण से संबंधित रोग है। मिनी माता रोग ये औद्योगिक पदार्थ जो पारा है, पारा के फिशिंग जल में मुक्त होने से, पारा के कारण, ठीक है, तो जो औद्योगिक पदार्थ है वो पारा के, जिसमें पारा होता है, वो फिशिंग जल में मुक्त होने से ये रोग होता है, मिनी माता रोग। और शुरू में ये चूँकि जापान के मिनी माता की खाड़ी में, वहाँ की जो मछलियाँ जिन लोगों ने खाया था, मिनी माता से ग्रस्त मछली, जो पारा से ग्रस्त मछलियाँ थी, उसके खाने से ये रोग हुआ था शुरू में, मिनी माता में, जापान में एक जगह है। इसका लक्षण क्या है, शरीर के अंग, होंठ तथा जीभ काम करना बंद कर देते हैं, बहरापन, आँखों का धुंधलापन और मानसिक असंतुलन पैदा हो जाता है। और साथ में प्रश्न, जो तीन प्रश्न की बारी है, वो भी तो पूछ लिया जाए। तो चलिए बताइए, यूरोप को अफ्रीका से कौन सी जल संधि अलग करती है। पहला प्रश्न है, ये आया हुआ भी है, पहला प्रश्न, यूरोप को अफ्रीका से कौन सी जल संधि अलग करती है। पाक जल संधि किसको किसको अलग करती है, और तीसरा प्रश्न, नॉर्थ चैनल किसको किसको अलग करती है, और एक लास्ट प्रश्न, लंपट मूर्ख किस राजा को कहा जाता है, लंपट मूर्ख। और साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप में से जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।